हेलो एवरीवन, देखिए अब पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे हम और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। इससे पहले हमने ऑर्थोगोनल और यूनिट वेक्टर की बात की थी, तो वहाँ तक हमारे जो टाइप ऑफ वेक्टर थे उसमें हमारे 13 तक हो चुके थे। तो ये 14th नंबर वाला है हमारा पोजीशन वेक्टर और ये लास्ट चलेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, देखो पोजीशन वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन को जो डिफाइन करे, जैसे कि देखो जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है हमारा क्या वाई एक्सिस, और हमें पता है जेड एक्सिस भी होता है किसमें, क्योंकि आपको पता है ना ये एक्स वाई जेड की तो कहानी इसमें। जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये वाला एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, और एक इसमें क्या होगा आपके पास ऐसे बाहर की तरफ भी होगा एक, जिसे हम कहेंगे जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ वाला क्या होगा हमारा माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये पता है हमें, तो हम बाहर की तरफ जो आ रहा है उसको यहाँ पर तो हम बना नहीं सकते 3D में, तो मैं यहाँ डॉट से लिखूंगा। ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, इसका मतलब ये है कि ये आपकी तरफ है जेड एक्सिस, यहाँ ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है माइनस एक्स एक्सिस होता है, नीचे वाला माइनस वाई एक्सिस, और इसके ये बाहर वाला मैंने कहा जेड एक्सिस है, और अंदर जो जा रहा होगा, ठीक है, वो क्या होगा इस पेज के अंदर जो जा रहा होगा ऐसे समझ लो, वो क्या होगा माइनस का जेड एक्सिस होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें हमें पता है कि यही वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पर, जैसे हमने कहा ये एक्स ये वाई, तो ये ओरिजिन भी होता है ना, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर तीन एक्सिस हैं हमारे पास एक्स वाई जेड, तो तीनों को डिफाइन करेंगे कि सबका जीरो है ये, तो यानी कि ओरिजिन जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर है। दो का आप समझते थे, सबसे पहले एक्स और वाई बनाते थे तो 0.0 लिखते थे, है ना, ओरिजिन को। अब तीन हो गए एक्सिस, जेड वाला भी कंसीडर कर रहे हैं 3D में, तो यहाँ पर हमारे तीन जीरोज लिखेंगे ओरिजिन के लिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ये पॉइंट पी है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने मान लो ऐसे मान लिए, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ऐसे मान लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पी को ही डिफाइन कर रहे होंगे कि एक्स एक्सिस में कितना है, वाई में जो भी होगा, ठीक है, और जेड में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पोजीशन आ गई इसकी पी की। अब इसको हम लिखते कैसे हैं ये चीज़ देखो ज़रा। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि यहाँ पर जब हम वेक्टर बनाएंगे तो जो वेक्टर बनाएंगे वो ओरिजिन से ही डिफाइन होते हैं। ठीक है, सभी की जो पोजीशन होगी वो ओरिजिन से डिफाइन होगी, तो यानी कि ओरिजिन पे टेल अटैच होगी और जो इसका हेड होगा एरो का वो इस पॉइंट पे अटैच होगा। क्लियर है इतनी बात। इसको हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम आर वेक्टर से लिखते हैं। ओरिजिन पे क्या आई टेल, और पी पर क्या आया इसका, यानी कि पॉइंट पर क्या आया इसका हेड, तो ये पोजीशन को डिफाइन कर रहा है ओरिजिन से इस पॉइंट पी को। तो इस तरीके से ये एरो दिखा रहा है ओरिजिन से, ये है डायरेक्शन इसकी। क्लियर है, अब इसको लिखते कैसे हैं, आर वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, इसको हमें पता है एक्स एक्सिस को जो है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, आई कैप में, तो हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस में वाई का हमारा होता है जे में, तो जे कैप प्लस में, और हमारा ये जो होगा हमारा जेड, जेड लिख देंगे इस तरीके से जेड, और ये किस में होगा के कैप में होगा, ये हमें पता है। अब इससे आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा, मैं इसको देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ए पॉइंट हो, क्या हो, ए पॉइंट हो, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे दिए 3-2, 1, ये दे दिए। अब इसके आपको लिखने हैं, मान लो अब जिस तरीके से मान लो ये 3 है, ये माइनस 2, ये 1, 3 मतलब क्या है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 चला, ठीक है, और माइनस 2 क्या है मतलब ये वाई में चला होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, लेकिन माइनस वाई की हम बात करेंगे तो वहाँ पर माइनस जे कैप आ जाता है ना, एक्स एक्सिस में अगर माइनस में चले तो माइनस का आई कैप चलता है, ठीक है, और ये 1 चला किस में, जेड एक्सिस में, ये हमें साफ पता चलता है इस तरीके से अगर लिखे होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो यानी कि 1 जेड में। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो आर ए पोजीशन वेक्टर है, तो इसे लिखेंगे 3i कैप, अब यहाँ माइनस है तो माइनस का 2j कैप, और प्लस का यहाँ 1 है, 1k कैप आएगा, तो मैं सिंपल 1 × k कैप क्या लिख दूँ, k कैप ही लिख दूँ। तो ये है एक्चुअल में समझने का तरीका। अब इससे आप पता कर सकते हो कि अगर ये चीज़ दी हुई है ना तो आप समझोगे, अच्छा 3 चले x में, और जैसे मान लो इस तरीके से चलो 3 चले x में, माइनस 2 किस में चले, माइनस 2, ये देखो माइनस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ये j कैप है, तो मैं माइनस में 2j कैप का मतलब क्या है, ये माइनस y एक्सिस में चला होगा, तो y माइनस का नीचे होता है ना, तो हम यहाँ तक चले x में 3 और नीचे चले y में माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 चले, क्लियर है, ऑब्वियस ही बात है ये माइनस एक्स वाई एक्सिस में आएगा, ठीक है, और उसके बाद हम 1 चले किस में, के कैप में, यानी कि जेड में, तो जेड ऊपर है प्लस वाला, तो ऐसे ऊपर, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा इसका, देखो कैसे चले एक्स फिर माइनस वाई और फिर ऐसे जेड, तो यहाँ कोई पॉइंट बनेगा, यहाँ देख लो ऐसे हवा में, और यहाँ से ऐसे एरो आएगा उस पॉइंट पे 3D में, समझ रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पोजीशन वेक्टर, और ऑब्वियस ही बात है ये कहाँ से होगा हमेशा डिफाइन, ओरिजिन से ही होगा, तभी ओरिजिन पे इसकी हमेशा टेल लगेगी, और हेड कहाँ लगेगा उसका, जो भी पॉइंट होगा वहाँ पर लगेगा, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल समझ लो, जैसे मैं सिंपली आपको बोल दूँ कि 2-4 और 3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को देख के आप ये लिख सकते हो, और इसको देख के आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, मैं अभी बता दूंगा। देखो जैसे इसका लिखना है हमें पोजीशन वेक्टर, तो हम लिखेंगे 2i कैप
माइनस का 4 जे कैप, वो भी पता है एक्स वाई जेड ही होगा ये हमेशा, तो आई कैप जे कैप के कैप, और ये प्लस का 3 के कैप, इस तरीके से हम लिख देंगे। जैसे मैं आपको कह रहा था, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए आर वैक्टर 2i कैप माइनस माइनस का 7 मान लो जे कैप और माइनस का 4 के कैप, ऐसे कुछ दे दिया, तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 2 माइनस 7 माइनस 4, ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पोजीशन वेक्टर से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर? तो पोजीशन वेक्टर सिंपली कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको, उसको आई जे के की फॉर्म में लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट माइनस में है तो माइनस में ही लिख देना, अगर प्लस में है तो प्लस में ही लिख देना, ठीक है। तो यहाँ वही बात यहाँ पर लिखी हुई है हमने, क्या कि जो पोजीशन वेक्टर होता है फॉर अ पॉइंट इज वेक्टर फॉर विच टेल इज ओरिजिन, ठीक है, फॉर विच टेल इज ओरिजिन, टेल ओरिजिन पे होगी, एंड हेड इज द गिवन पॉइंट इटसेल्फ, और हेड कहाँ होगा, जो भी पॉइंट दिया होगा वही क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर हमेशा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट हमेशा कहाँ से डिफाइन होगा, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमेशा कहीं पर भी बनेगा पोजीशन वेक्टर वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। एक रेफरेंस तो चाहिए ही होता है ना, आप कहीं डिस्टेंस बता रहे हो मान लो किसी का, तो आप कहोगे ना भैया यमुनानगर से यहाँ का इतना डिस्टेंस है जहाँ भी आप रहते हो, ठीक है। जैसे मान लो आप उड़ीसा रहते हो, ठीक है, तो हरियाणा से उड़ीसा का इतना डिस्टेंस है ना, अब ये थोड़ी बोल दो कि सिंपल उड़ीसा का इतना डिस्टेंस है, कोई रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स में जो रेफरेंस होता है वो क्या है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन से ही हम लेते हैं हमेशा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात समझ में आई कहानी, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगी कहानी, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, जो चेंज होता है ना पोजीशन का वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे कि इसमें भी कोऑर्डिनेट बनाओ एक्सिस इस तरीके से, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं जेड एक्सिस बाहर की तरफ का बना रहा हूँ, ठीक है, और ओरिजिन भी ये वाला ही पॉइंट होगा यहाँ पर ये, ठीक है, ओरिजिन हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, वही बनाया जो जैसे कि यहाँ बनाया था। अब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ क्या कि जैसे एक है पॉइंट ए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो एक्स वन वाई वन जेड वन, ऐसे मान लिया हमने इसके कोऑर्डिनेट। अब ए से पोजीशन चेंज हुई है कहाँ पर, बी पर, और जो बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने मान लिए एक्स टू वाई टू और जेड टू, क्या इसमें कोई दिक्कत? अब इनके हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है ओरिजिन से बनेंगे, ये हो गया हमारा आर ए वेक्टर, एक तरह से पोजीशन ऑफ ए को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ से हमने ये बना दिया बी के लिए पोजीशन वेक्टर आर बी, जो कि बी के पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, और ऑब्वियस बात है ये कहाँ से डिफाइन होती हैं पोजीशंस, ओरिजिन से ही होती है, अभी तो सिर्फ मैंने ये वाला काम यहाँ पर करा है, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा, जो पोजीशन में चेंज आया, चेंज क्या आया, ए से बी, ए से बी गया ना ये, ठीक है, तो ए से बी के लिए ऐसे बना देंगे हम डायरेक्शन, ए से बी गया तो ये बन गया, ठीक है, ये क्या है हमारा चेंज इन पोजीशन की, ए से बी गया, तो इसको हम क्या लिख देते हैं डेल्टा आर वेक्टर लिख देते हैं, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर भी लगा लो इस पर, ठीक है, डेल्टा आर, ये हो गई चेंज इन पोजीशन। अब कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल सी बात है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले मैं आर ए और आर बी वेक्टर लिख दूँ यहाँ पर, देखो आर ए वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि पोजीशंस में लिखा था हमने, पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, अभी क्वेश्चन से भी ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बी के लिए भी लिख देते हैं हम एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप एंड प्लस जेड टू के कैप, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो पार्टिकल जो है, पार्टिकल वो मूव हुआ है, मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ हुआ है, ए टू बी, और हमें क्या बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें बताना है, क्लियर। अब देखो जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही क्या है हमारी, चेंज इन पोजीशन है, क्या है, चेंज इन पोजीशन। अब जो चेंज इन पोजीशन है यहाँ पर अगर हम देखें कि जो चेंज इन पोजीशन है वो क्या होती है बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल होती है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है जो फाइनल पोजीशन वाला वेक्टर है माइनस कर दो इनिशियल पोजीशन वाला, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाली है, बी बी फाइनल है और ए इनिशियल है, तो मैं ऐसे लिखूँगा, देखो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, माइनस कर देंगे ये टर्म, तो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर एक्स वन आई कैप प्लस में वाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप, क्लियर। अब यहाँ पर इस तरीके से जब हम लिख देते हैं तो इसको ऐसे लिखूँगा
साइन चेंज करके एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस ऑफ एक्स वन आई कैप, ये साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का वाई वन जे कैप बनेगा और माइनस का ही क्या बनेगा जेड वन के कैप बनेगा। अब देखो जरा आई कैप वाले इकट्ठे लिख दो, तो देखो एक्स टू आई कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस में जे कैप वाले इकट्ठे लिख दो वाई टू जे कैप माइनस वाई वन जे कैप प्लस के कैप वाले लिख दो जेड टू के कैप माइनस जेड वन के कैप। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन ले लेंगे आई कैप, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमन क्या है इसका आई कैप, ऐसे यहाँ लिख देंगे वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और यहाँ भी लिख देंगे जेड टू माइनस जेड वन के कैप। इस तरीके से ये क्या आया है हमारा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आया है, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं डेल्टा आर वैक्टर। इस तरीके से हमने ये लिख दिया, सिंपल सी बात है, फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस कर रहे हैं, सिंपल सी कहानी है। आई बात समझ में या नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात समझ में आई कि हम क्या यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर हमें क्या लिखना है मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता ही है क्या लिखते हो, आई कैप के जो साथ है उसका स्क्वायर कर दो, एक्स टू माइनस एक्स वन है यहाँ पर तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड बताया था मैंने कैसे लिखते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है, और प्लस में अब यहाँ पर तो माइनस करके कुछ आएगा वो चीज़ है ना। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, तो कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहाँ भी आई कैप जे कैप के कैप के साथ वालों के स्क्वायर कर रहे थे ना, यहाँ पर भी इसी के स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा देखो जेड टू माइनस में जेड वन का स्क्वायर। बताओ क्लियर है या नहीं है बात। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है मैग्नीट्यूड जो भी आएगा यहाँ से, क्या ये डिस्टेंस फार्मूला नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला नहीं है एक्चुअल में। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तो हमें पता चल गया कि ये है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है, है ना। जैसे मान लो ये है 10 पे और ये है मान लो 15 पे, नॉर्मल ऐसे समझो, तो इसकी जो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा क्या होगा 15 माइनस 10, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, इनकी चेंज इन पोजीशन, यानी कि अभी इनके बीच का डिस्टेंस भी तो बता रहा है। तो अगर आपको याद हो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर था मैथ्स में, वहाँ डिस्टेंस फार्मूला था, वहाँ कैसे करते थे हम, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आ जाता था। तो यहाँ पर भी तो यही किया, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यही तो है, और ये क्या डिस्टेंस फार्मूला ही तो है, डिस्टेंस इसी से तो पता चल रहा है। तो या तो कह दो डेल्टा मतलब डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है या फिर आपको बोल दिया जाए चेंज इन पोजीशन, तो एक ही बात है, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, चेंज इन पोजीशन भी वही बात है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात है, क्लियर। इनके मैग्नीट्यूड जब निकालने को आएगा तो मतलब क्या है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला भी है। कितनी बात क्लियर है या नहीं बताओ। अब कईयों के मन में जो क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ क्या है, वो ये कहते हैं कि जैसे इसके और इसके बीच का ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया तो हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस करके लिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही तो ये पोजीशन वेक्टर भी था, और अगर हम इनको दो पॉइंट मान लें तो इसका तो जीरो जीरो पॉइंट है और इसका ये है, तो इनका भी ऐसे ही निकलना चाहिए था, ये जो हमने वेक्टर बनाया था इसका आर वेक्टर, तो ये भी तो ऐसे ही आना चाहिए था, एक्स माइनस में ज़ीरो आई कैप, है ना, आई जे के होगा यहाँ पर, अगर ये जीरो 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 जो पॉइंट हैं ये भी आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप में मैं लिख सकता हूँ ना इसको, जैसे इसको लिखा था एक्स आई कैप, तो यहाँ पर भी तो ये होगा एक्स माइनस ज़ीरो आई कैप प्लस वाई माइनस ज़ीरो जे कैप प्लस जेड माइनस ज़ीरो के कैप, तो आएगा तो यही एक्स माइनस ज़ीरो एक्स ही होता है और वाई माइनस ज़ीरो वाई ही होता है और जेड माइनस जो ज़ीरो होता है वो जेड ही होता है। तो इस तरीके से एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप में ही आ गया। तो पोजीशन वेक्टर में हमेशा ही जो होगा एक पॉइंट ओरिजिन ही होगा, तो हमेशा वो उसमें से माइनस ही होकर लिखेंगे, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ भी दो पॉइंट थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ दो पॉइंट आए तो इस तरीके से कर रहे हैं माइनस, यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसमें क्या है, ये जो पोजीशन वेक्टर हम बना रहे थे तो ओरिजिन से ही बना रहे थे ना, तो ओरिजिन से अगर हम देखें तो हमेशा ये जीरो 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 ही होगा माइनस, तो जीरो किसी चीज़ में से माइनस होगा तो वही रहेगा, तो हम डायरेक्ट इसे लिखते हैं एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमेशा ओरिजिन से ही बनेगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स को देख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर को, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात आती है तो यानी कि क्या है, दो पोजीशंस हैं तो उनके चेंज को, है ना, मान लो पहले ए पे था अब वो बी पे चला गया, तो ये जो चेंज हुआ है ना पोजीशन का, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे, हम पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हमारे ये बनेंगे। आप डायरेक्ट ये जो है ना ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कर रहे हैं माइनस तो आई कैप, ये कर रहे हैं माइनस तो जे कैप, ये कर रहे हैं माइनस तो के कैप, क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो जरा।
और जो इनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या बताता है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला बताता है, सीधी सी बात है। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये इतना लंबा चौड़ा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें पोजीशन वेक्टर भी आपको समझ में आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ में आ जाएगा। देखो कहता है पार्टिकल मूव फ्रॉम 3, 2, 1 टू 1, -2, -3, ठीक है। ऑब्वियस बात है दो पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है पहले, तो सिंपली बात है अगर ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम, डायरेक्ट हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। इसका हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर तो 1 का हम नॉर्मली लिख देते हैं तो i कैप, माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। सिंपल है, पोजीशन वेक्टर लिख दिए हमने, ठीक है। चाहे तो इसको ए बी मान के कर लो, तो ये आर ए वैक्टर हो गया, ये आर बी वैक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की बात करनी है। अब डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ये होता है हमारा x2 - x1 i कैप। अब ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है। अगर ये हमारा है इससे इस पर जा रहा है तो मतलब ये फाइनल है हमारा, है ना, और ये क्या है हमारा इनिशियल है। तो एक्चुअल में ये क्या है, x1 y1 z1, ये क्या है हमारा x2 y2 z2। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा, x2 - x1, तो 1 - 3, सेकंड की हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है। तो ध्यान से समझना, x2 - x1 कर रहे हैं तो 1 - 3 कर रहे हैं, तो कितना आएगा माइनस का 2, और साथ में क्या लगेगा, आई कैप लगेगा, ठीक है। तो ये देखो माइनस का 2 i कैप। फिर हमें करना है y2 - y1, देख लो यहाँ से, तो -2 - -2 - -2 - -2 करेंगे, ये वाला -2 और माइनस ये करना है, माइनस का 4 j कैप लिखेंगे इसको, है ना, y वाले में तो j कैप। अब ये z1 है, ये z2 है, तो z2 - z1 मतलब -3 - 1 कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 4 k कैप हो गया। तो ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे, अब यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे आर ए वैक्टर ये है, आर बी वेक्टर ये है, और डेल्टा आर वेक्टर क्या आएगा, आर बी माइनस आर ए, ऐसे ऐसे करके थोड़ी लिखेंगे। हमें तो क्वेश्चन का जो है ऑप्शन में बताना है, है ना, कोई हमारा थ्योरी पेपर थोड़ी हो रहा है कि थ्योरी के नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो ना, ये तो कंपटीशन की तैयारी हो रही है ना, तो हम इस तरीके से सॉल्व करें ना, सीख लें इस तरीके से, हर चीज़ नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन का मतलब क्या है, मान लो ये कोई वैक्टर है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, या डेल्टा आर ही समझ लो, डेल्टा आर वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो जैसे कोई ए वेक्टर होता था, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो हम ए कैप लिखते थे, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता चलती थी। तो अगर ये डेल्टा आर वेक्टर है तो मैं डेल्टा आर के ऊपर ऐसे कैप से समझ सकता हूँ ये बात। तो ये फॉर्मूला क्या होता था, अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है, तो हम ए वेक्टर लिखते थे अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते थे, यही होता था। तो यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसकी हमें डायरेक्शन बतानी है, तो ऑब्वियस बात है सिंपली पहले तो ऊपर यही वेक्टर लिख देंगे, तो माइनस का 2 i कैप, माइनस का 4 j कैप, माइनस का 4 k कैप, अपॉन में क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, मान लो ये ए वेक्टर ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, जरा देखो कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड। तो 2 2 4 4 4 16 4 4 16, ये आपको पहले बताया था मैंने कि हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। देख लो आप माइनस वाली वैल्यूज भी क्या हो रही हैं, स्क्वायर होके प्लस में ही आ रही हैं। तो 16 16 32 और 4 36, तो 6 6 36 होता है, तो यानी कि √36 इज 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ये डायरेक्शन पता चल गई हमें इसकी, एक तरह से वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा था आपसे, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स की वो बात कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, सिंपल सी यही बात है ना, यही तो आपको समझना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स की बात कर रहा है, जैसे कि ये दो पॉइंट थे, इनके बीच का डिस्टेंस। अब दो पॉइंट में हमें ये दे दिया, ये दे दिया, ये हमारा फाइनल था, ये इनिशियल था, क्योंकि इसने कहा यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है ना, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, यही चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखना शुरू कर दो। चलो मेन बात पे आते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है आपका, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि देख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड लिखा था, वही हमारा डिस्टेंस था। डिस्टेंस फॉर्मूला यही मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि डिस्टेंस कैसे पता करते हैं हम, सिंपल सी कहानी है या नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसमें, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो इसका मैग्नीट्यूड अभी अभी आपने निकाला, ये नीचे कितना आया था, 6 आया था, तो मैं 6 इसका लिख दूँ डिस्टेंस। आ रही है बात समझ में, सिंपल सी कहानी है। जैसे हम मैथ्स में करते थे 10th में, क्या करते थे, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मतलब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है, तो दिस माइनस दिस का स्क्वायर, और रूट में होती थी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो यही तो सब करके आया है, और इसका मैग्नीट्यूड ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो मैच करता है।
तो अगर मैंने ये निकाल लिया यहाँ पर, यही तो चीज़ निकाल लिया, ये माइनस करके ही तो ये चीज़ आई ना यहाँ, ये यहाँ निकल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये निकल गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है, तो ये हमारा निकल गया था इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर हो गई होगी बात यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से कर लेना, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।